खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच एक नाम चर्चा में बना हुआ है, वो नाम है कनाडाई सांसद जगमीत सिंह का। एक्सपर्ट्स की माने तो जगमीत सिंह के दबाव के कारण ही कनाडाई प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर भारत पर गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जगमीत सिंह कौन है जिनकी बात को कनाडाई पीएम अनसुना नहीं कर पा रहे। दरअसल ट्रूडो की लिबरल पार्टी को हाउस ऑफ कॉमन्स के पिछले दो चुनाव 2019 और 2021 में पूर्ण बहुमत नहीं मिली। ऐसे में उनकी सरकार न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के 25 सांसदों के समर्थन से चल रही है। बता दें कि जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं। एनडीपी की वेबसाइट के अनुसार जगमीत सिंह मूल रूप से भारत के पंजाब के रहने वाले हैं। उनके माता पिता बेहतर जीवन बनाने के लिए भारत के पंजाब से कनाडा चले गए थे। सीबीसी के अनुसार सिंह का जन्म 2 जनवरी 1979 को स्कारबोरो के ओंटारियो में हुआ था। वो स्कारबोरो, सेंट जॉन्स और विंडसर में पले बढ़े हैं। बता दें कि कनाडा में इस समय मंदी का दौर चल रहा है, ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर। यही वजह है कि वो अपने सहयोगी एनडीपी के प्रधान जगमीत सिंह के दबाव में कदम उठा रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स की माने तो जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने से पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो कनाडा की आबादी में सिख 2.1% हिस्सेदारी रखते हैं। इसके साथ ही पिछले 20 सालों में कनाडा के सिखों की आबादी दोगुनी हुई है। इनमें से अधिकांश भारत के पंजाब से शिक्षा, कैरियर, नौकरी जैसे कारणों से वहीं पहुंचे। इकोनॉमिक टाइम्स के माने तो राजनीति से पहले जगमीत सिंह ने ग्रेटर टोरंटो एरिया में एक आपराधिक बचाव वकील के रूप में काम किया। इसके बाद 2011 में वो ओंटारियो MPP बने और 2017 तक उस पद पर कार्यरत रहे। 1 अक्टूबर 2017 को सिंह एनडीपी के नेता बने। बता दें कि जगमीत किसी प्रमुख कनाडाई राजनीतिक दल के पहले गैर श्वेत नेता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।